मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन कंप्यूटर क्लास। सो हम कर रहे थे पार्ट टू का, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो चैप्टर टू, सॉरी चैप्टर वन का पार्ट टू, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप पेज नंबर 9 निकाल लीजिए बुक का, ठीक है? तो करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, फर्स्ट जनरेशन, देखिए उसमें मैं आपको पढ़ती जाऊँगी, देखते जाएगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज मैग्नेटिक मेमोरी ड्रम्स फॉर मैमोरी। देखिए फर्स्ट जनरेशन में ही यूज हुआ था, क्या होते थे, मैग्नेटिक मेमोरी ड्रम्स यूज हुआ करते थे फॉर मेमोरी, ठीक है। नंबर टू, ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर ने किसकी जगह ली, किसकी, वैक्यूम ट्यूब्स की, ठीक है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नंबर थ्री, इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूजर्स इंटीग्रेटेड थ्रू कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स। मॉनिटर्स और कीबोर्ड्स कब आए, हमारे थर्ड जनरेशन में, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और कि आपको ये खुद से कम दो बार ये चैप्टर पढ़ना जरूर है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। नंबर फोर, द माइक्रो प्रोसेस इज, माइक्रो प्रोसेस या IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर था उसमें बेसिक कंपोनेंट क्या था, हमारा माइक्रो प्रोसेस। नंबर फाइव, इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर रिसर्चर्स आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही वो रिसर्च कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा फर्स्ट, नंबर टू में वैक्यूम ट्यूब्स, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फुल फॉर्म लिखना है। देखिए फुल फॉर्म आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, इसी में दी हुई है, आप प्लीज़ एक बार ही उसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। IC का मैं बता देती हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट। GUI का है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नंबर थ्री, यूनिवे क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। या फिर मैं लिखूं, लिख देते, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। यूनिवर्सल जनरेशन कंप्यूटर, हाँ ये सही है।
माउस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फिफ्थ जनरेशन, गलत है. फेस रिकग्निशन इज अ फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन, यस इट इज ट्रू. चलिए आइडेंटिफाई द पिक्चर, नंबर डी पर आ जाइए. आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर डेट ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आपको पिक्चर का नाम लिखना है और उसकी डेट ऑफ इन्वेंशन लिखनी है. तो मैंने लिख दी है, ये वाला है. फर्स्ट वाला क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स है, 1940 से 1956 लिख देंगे. पिक्चर भी नीचे लिखना है, ये सारा काम आपको आपकी बुक में करना है, ठीक है. ये सारा का सारा बुक में करना है. और फिर नंबर टू है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर कब से कब, 1953 से 1963 तक. एंड देन इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आएगा आपको 1964 से 1971. वीएलएसआई चिप्स 71 से अभी तक, ठीक है. तो और फिर कॉलम मैचिंग पर आ जाइए, पेज क्वालिटी पेज चेंज कीजिए, नंबर 10 पर आ जाइए. फर्स्ट आपका आएगा मैच करेगा आपका डी से, सेकंड आपका मैच करेगा सी से, थर्ड बी से, फोर्थ ई से और फिफ्थ ए से, ठीक है. इसको अच्छे से मैच कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. आपको चैप्टर को कम से कम दो बार जरूर पढ़ना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा. चैप्टर टू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बाय एंड टेक केयर.